सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडी गाइस समजीत। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ गोल पार्क, बालीगंज गोल पार्क में, जहाँ पे अंजलि ज्वेलर्स का शोरूम है। उसके बगल वाले गली में एक कैफ़े है, हबाबास कैफ़े। वहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट पे कॉम्बो फ्रूट ट्राई करने का मौका मिलेगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको हबाबास का लोकेशन बता दूँ। मेरे अब ये इस तरफ देखिए अंजलि ज्वेलर्स, और इस तरफ है मेरा रामकृष्ण मिशन। उसके अपोजिट का जो गली है वहाँ से आप सीधा चले जाइए, मुश्किल से मुश्किल एक से डेढ़ मिनट चलने के बाद आपको मिल जाएंगे हबाबास कैफ़े। तो वहाँ पे सुना है भाई कैफ़े में मटन साफ किया जा रहा है, ये तो पहली बार हुआ कि कैफ़े में मटन साफ किया जा रहा है और बहुत ही रिजनेबल रेट में। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कैफ़े के अंदर और फिर आपको वहाँ का फूड नामा दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ हबाबास कैफ़े के पास। ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहे हबाबास कैफ़े, और वहाँ पे देख रहा है एक जो पुतला दिख रहा है वही है हबाबास। उनके हाथ में एक हाथ में पेपर है और दूसरे हाथ में चाय का प्याला है। तो ये है इसका थीम, और हबाबास एक थीम बेस कैफ़े है, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अंदर अंदर जाके आपको दिखाते हैं। और वो देखिए इस तरफ है वो अंजलि ज्वेलर्स वाला जो रास्ता, वहाँ से मैं चल के आया हूँ, एक मिनट भी मुझे नहीं लगा तो यहाँ तक आने में। तो चलिए हबाबास के अंदर जाते, तो चलिए मेरे साथ। सो ऑलराइट दोस्तों मैं आ गया हूँ हबाबास कैफे के अंदर। तो कुछ इस तरह है इसका एम्बियंस, देख लीजिए बहुत ही छोटा प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत ही यूनिक तरीके से इसका एम्बियंस को सजाया गया है। ये देखिए जैसे आप अंदर आएंगे पहले आपको ये सीनरी आपको मिलेगा सामने, और यहाँ पे बाहर दो सीटिंग ऑप्शन है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप बैठेंगे तो इस नज़ारे के साथ आपको मौका मिलेगा खाना ट्राई करने का यहाँ का। और अब चलिए अंदर का एम्बियंस भी आपको दिखाते हैं। चलिए और दोस्तों ये है इसका इस कैफ़े का अंदर का एम्बियंस, और यहाँ पे आप अंदर बैठ के खाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक लाइव किचन भी मिल जाएंगे अंदर। तो जो कुछ भी आप ऑर्डर करेंगे यहाँ आपको सर्व किया जाएगा, यानी कि आप जो खा रहे हो जो ऑर्डर कर रहे हो वो जब यहाँ पे पकेगा तो आप खुद देख सकते हो। तो दोस्तों अब चलिए यहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं और फिर उसका रिव्यू आपको देते हैं। मेनू कार्ड देख लीजिए यहाँ पे जो बहुत ही रिजनेबल है, और जो यहाँ का सबसे ऑथेंटिक चीज़ है ये है 499 में आपको ये सब कॉम्बो मिल रहा है। लेकिन आज मैं ये सब स्किप करने वाला हूँ, आज मैं कुछ ये सब नहीं ट्राई करूँगा, मैं कुछ और ट्राई करने जा रहा हूँ। एक बार आप लोग देख लीजिए इस मेनू कार्ड को, ये देखिए ऑनलाइन। दोस्तों मुझे मेरा पहला फूड मिल गया है। मैंने सबसे पहले यहाँ ले लिया यहाँ का जो यूनिक फूड है वह ये मटन घुगनी यहाँ का सबसे यूनिक फूड है, और मैं हाफ प्लेट लिया। इसका प्राइस है हाफ प्लेट मटन घुगनी का प्राइस है 50 रुपीज़, और फुल प्लेट है वो है 95 रुपीज़। तो चलिए सबसे पहले मैं मटन घुगनी को ट्राई करता हूँ और फिर बाद में कुछ और ऑर्डर करेंगे। तो चलिए। सो दोस्तों ये मटन घुगनी है, अब देख रहे हो, अब इसको प्याज के साथ और मिर्ची के साथ दिया है मिक्स करके, और अब इसका इसके अंदर देखिए मटन तो पूरा भर के है। ये देखिए मटन पूरा भर के दिया है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा ट्राई करते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं। सही है मटन घुगनी का, यहाँ पे मटन तो पूरा भर भर के दिया है आपको दिखाई दिया,
जैसे मुंह में जा रहा है उसका हर बाइक में मटन आपको मिल रहा है। तो और ये सो दोस्तों मटन घुगनी के अंदर मटन कीमा और मटर से प्रिपेयर किया गया है। टेस्ट एकदम सही है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और जो नींबू दिया है उसके साथ मिक्स करके जब खाओगे तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। तो पहले ये मटन घुगनी को ख़त्म कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ दूसरा आइटम। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे ले लिया बॉम्बे मटन कीमा पाव। ये देखिए ये दो पाव ऐसे आपको दिया जाएगा और यहाँ पे है कि मटन कीमा बटर, इसको बटर के साथ प्रिपेयर किया गया है। ये जो ग्रेवी देख रहे हो ये पूरा बटर है। यहाँ पे सलाद है और एक ग्रीन चटनी है। तो अभी इस कीमा पाव को मैं ट्राई करके देख रहा हूँ। अभी मैं इस कीमा पाव को ट्राई करेंगे। चलिए टेस्ट इसका जबरदस्त है। यहाँ पे पूरा बटर का एक अरोमा आ रहा है यहाँ पर। और ये देखिए पूरा बटर के साथ आपको मिक्स करके दिया गया है और यहाँ पे पूरा कीमा से भरा हुआ है। जैसे ही आप मुंह में डालेंगे तो कीमा मटन कीमा आपके पूरे मुंह में मिल्ट हो रहा है। तो अब इसको ख़त्म कर लूँ और फिर नेक्स्ट आइटम आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों यह है बांग्लादेशी मटन कीमा पुलाव फॉर वन पर्सन। दोस्तों ये आपको मेन्यू कार्ड में नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक कॉम्बो आइटम में है जो आश्चर्य हरे आपको दिखाया था उसमें, लेकिन लोग अलग से मांगता है इसीलिए आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा अगर आप यहाँ पे आकर मांगेंगे। तो चलिए इसको ट्राई एक बार टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और यह आपका चिकन मोगलाई ऐसे दो पीस आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसका ग्रेवी एक बार देखिए कुछ इतना ठीक है। ये ग्रेवी ग्रेवी टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। ठीक है क्या इसको घी से इस आइटम को घी से बनाया गया है और जब आ रहे थे घी का भी फ्लेवर आ रहा है। तो अब इस मटन पुलाव के साथ मटन पुलाव को थोड़ा ग्रेवी में मिक्स करके खाते देखिए। जो कोलकाता स्टाइल ऑथेंटिक बिरयानी होते हैं इसका स्वाद थोड़ा उस तरह है, कोलकाता स्टाइल बिरयानी जैसा, लेकिन बिरयानी नहीं है, बांग्लादेशी मटन कीमा पुलाव है। इसमें बांग्लादेशी मटन पुलाव को मटन कीमा ये देखिए यहाँ पे मटन कीमा और घी के साथ इसको बनाया गया है। बहुत टेस्टी है खाने में। दोस्तों चिकन देखिए ऐसे दो पीस आपको मिलेगा। अब इस चिकन के बारे में चिकन टेस्ट करके आपको बता दो कैसा है। चिकन तो एकदम नरम है, चिकन एकदम नरम है। जैसे मैं इसको हाथ से फाड़ने की कोशिश की तो वो आ गया मेरे हाथ पे। ये देखिए एक टुकड़ा सही है, टेस्ट सही है, लेकिन एकदम नरम है। ओवरऑल यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। तो इस खाने को मैं खत्म करके एक बार बाहर जाकर आपसे मिलूंगा। सो ऑलराइट दोस्तों मेरा खाना वगैरह खत्म हो गया और मैं हवाबाद से निकल आया हूँ अभी। तो दोस्तों खाना एक क्लास था, बहुत बढ़िया था। और इन लोगों का जो हॉस्पिटलिटी है, अंकल के जो प्रॉपराइटर है उनका जो व्यवहार था कस्टमर के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है। अब मैं बात करूँ यहाँ का फूड के बारे में। तो दोस्तों फूड बहुत अच्छा था जो मैंने आज पहली बार ट्राई किया कि बॉम्बे मटन पाव, वो तो भाई एक क्लास लगा मुझे। वो पारसी डिश है जो मुंबई का जो पाव भाजी होता है कुछ उसी का कॉन्सेप्ट लेके बनाया गया है दोस्तों। और उसमें जो चटनी था एक पुदीना का चटनी, पुदीना और धनिया मिक्स करके दिया तो भाई लाजवाब टेस्ट था उसका। यहाँ का एम्बियंस और यहाँ का फूड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिजनेबल रेट है। तो ये था टोटल आज का वीडियो। तो वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट में बताना है नीचे।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना ताकि भविष्य में आने वाले मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टाटा।